Hello friends, so today let us talk about the youngest entrepreneur of our country, right? So yeah, his name is Tilak Mehta, and this video that I'm making, it will be relevant for IELTS students kyunki unko speaking mein content bolna hota hai ya writing mein likhna. GRE students ke liye bhi jab aise writing mein content, authentic content ki baat aati hai to ye help karega. इंटरव्यूज में नॉर्मली आप अपना नॉलेज फ्लॉन्ट कर सकते हैं और जनरली नॉलेज के लिए भी ये रेलिवेंट है. स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी होता है ना कि हम नॉर्मली कहें कि नहीं आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट एंड और इफ वी गिव एग्जांपल ऑफ तिलक मेहता एंड से दैट यू नो किड्स दीज डेज आर डूइंग वंडर्स तो अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है ना. तो हर किसी के लिए ना स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है और इफेक्टिव होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं आपको कहूँ कि इंडिया में तो विमेन एम्पावरमेंट है, यू नो महिलाएं काफी अच्छा कर, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं आपको कहूँ कि सी लुक एट मैरी कॉम, शी हैज बीन 7 times वर्ल्ड चैंपियन एंड अलॉन्ग विद दैट शी इज मैनेजिंग हर होम टू. सो देर इज विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. तो जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ फैक्ट्स के साथ में तो अलग ही इम्पैक्ट एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव इंस्पिरेशन इस टाइप की स्टोरी से मिलता है क्योंकि 13 इयर्स ऑफ एज में ही इस बच्चे ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी जिसका काफी ज्यादा टर्नओवर रहा. उसको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कहा. तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो इंस्पायरिंग और रेलिवेंट होने वाला है. कन्विक्शन से हम और अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इस टाइप का नॉलेज हो हमारे पास तो, है ना. और ज्यादा विश्वास से हम अपने पॉइंट्स कम्युनिकेट कर पाते हैं. या सो एट द एज ऑफ 13 years, लाइक आई ऑलरेडी सेड, ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी. बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है जो चाहते हैं कुछ बड़ा उनके लाइफ में करना. उसने प्रूव कर दिया कि एज इज नेवर अ सर्वेंट ऑफ टैलेंट. किसी भी एज में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. उसने शो करा कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है. उसके पापा विशाल मेहता, जिनकी ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक कंपनी ऋषभ सीलिंग करके है, उन्होंने भी उसको सपोर्ट करा और स्टार्ट हुआ इसका बिजनेस 2017 में. मतलब आइडिया आया 18 में, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ. कैसे क्या हुआ देखते हैं. 8th standard में मुंबई इंटरनेशनल स्कूल में ये बच्चा जो है पढ़ता था. एक दिन क्या हुआ, इसको अंकल के घर से एक किताब मंगवानी थी जो कि दूसरे छोर पे बोरेवली में रहते थे बॉम्बे में. अब जब उसने उसके पापा को बोला कि मेरी बुक ले, पापा ने ध्यान नहीं दिया, वो उनके ऑफिस के काम में बिजी थे. उसने सोचा चलो मैं कोरियर से, पर कोरियर के पैसे ही उतने लग जाएंगे जितनी तो प्राइस ऑफ बुक है. 300 रुपए कोरियर वाला सेम डे डिलीवर करने के चार्ज कर लेगा, ठीक है, और ये अमाउंट तो प्राइस ऑफ बुक के इक्वल है. उसने बॉम्बे में सोचा कि कितने यू नो सारे लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स उनको आते होंगे कि उनको सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने की रिक्वायरमेंट होती होगी ना. तो उसको ये थॉट आया. कुरियर कंपनीज बहुत टाइम ले लेती हैं. सेम डे अगर वो डिलीवर करती हैं तो उस केस में चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं. और कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि लोगों के पैसे कम लगे और उनको सेम डे पार्सल मिल जाए. उसको मुंबई के डब्बा वाला याद आए जो कि पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं ना. ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर फेमस. आईएम में भी उनपे स्टडी जो है वो पढ़ाई जाती है कि वो बहुत पंक्चुअल है डब्बा इसकी डिलीवरी करने में. उसने स्टार्टअप स्टार्ट करा सेम कंसेप्ट से. उसने सोचा इनके नेटवर्क को यूज करके खाने के सामान के अलावा दूसरी चीजें भी जिनकी लोगों को जरूरत है उसको पहुंचाया जाए डब्बा वाला के थ्रू, ठीक है. टाइम स्पेंड किया डब्बा वाला के साथ समझने के लिए कि उनका काम कैसे होता है, किस प्रोसेस से वो लोग गुजरते हैं. उसके पापा विशाल ने भी उसको सपोर्ट करा. ऐप बनाया पेपर्स एंड पार्सल्स करके. उसको बनाने में लगभग 8 महीने लग गए. बट जैसे ही ऐप आया इट रॉक्ड, क्योंकि जो पार्सल के लिए जिस इंसान को 300 रुपए देने पड़ रहे थे वो सिर्फ 30 रुपए में होने लग गई वो चीज. 3 kg का पार्सल कहीं पर भी डिलीवर होने लग गया बॉम्बे में. या एंड इट्स एक्चुअली स्टार्टेड इन 2018
It has delivered more than 130,000 parcels until today. This boy has given employment to so many people. And now even he has the plans of spreading across the India. He has received Youngest Entrepreneur Award at India Maritime Awards.